अब मैं दो थ्योरम डिराइव करूंगा, हो सकता है मुझे 15-20-25 मिनट लग जाए, दो थ्योरम डिराइव करूंगा, उन थ्योरम्स की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमें आसानी होगी आगे। मतलब मैं दो थ्योरम बताऊंगा, उनका डायरेक्शन बताऊंगा, डायरेक्शन सीखोगे तो आगे जब हम बॉडीज का क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो कैलकुलेट करने में वो थ्योरम्स हमें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो लिखो फर्स्ट थ्योरम, हेडिंग डालो पहला, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले स्टेटमेंट लिखो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शीट्स, बेटा शीट कैसी, एनीथिंग एनीथिंग विच इज इन अ प्लेन, अ रिंग, अ शीट, अ डिस्क, एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ शीट इन इन अ प्लेन। थ्योरम क्या नाम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो बता रहे हैं अभी, अरे इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाता है। सपोज ये कोई शीट है, रुक जाओ, ये एक एक्सिस है, एक्सिस एक एक्सिस, इसके अबाउट वो क्या कर रही है, बॉडी रोटेट, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना, लेट्स से I1। एक शीट है, उसमें एक एक्सिस है जिसके अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेट, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1, और वो एक्सिस अभी शीट के प्लेन में, शीट के प्लेन में, मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा करके, शीट के प्लेन में है, और कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I1। सपोज करो एक और एक्सिस है, वो भी शीट के प्लेन में है, और इसके जब वो इसके अबाउट घूमेगी अगर बॉडी, इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका, I2। तो मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जितने भी मासेस हैं, अगर I2 निकालना है, m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square, m4 r4 square, m5 r5 square, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, I2। इसके अबाउट अगर निकालना है तो m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square, m4 r4 square, m5 r5 square, इन सब का सम कितना है, I1। I1 एक साथ दोनों एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रही, अगर इसके अबाउट घूमती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, अगर इसके अबाउट रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, और दोनों एक्सिस अभी मैंने लिए इन द प्लेन, इन द प्लेन, इन द प्लेन, और दोनों एक दूसरे के भी कैसे रखे, परपेंडिकुलर। सपोज ये पता है, सपोज I1 पता है और I2 पता है, सपोज पता है, व्हाट इज I1, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ गिवन एक्सिस इन द प्लेन। ओके सर, सो सिंपल, व्हाट इज I2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस इन द प्लेन, परपेंडिकुलर। सपोज ये पता है, नाउ समवन कम्स एंड सेज, अरे अगर आ रहे हो आपको I1 I2 पता है, हाँ हम बोलेंगे हमें तो पता है, तो क्या होगा, अगर वो इसके अबाउट घूमे, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिस पासिंग फ्रॉम देयर इंटरसेक्शन एंड इस शीट के परपेंडिकुलर। देखो ये भी लाइन इसके पास हो रही है, बट बिल्कुल ऐसा एक्सिस, ये अगर इसके अबाउट घूमे, इसके अबाउट घूमे बॉडी, तो इस एक्सिस को इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलोगे, पासिंग फ्रॉम देयर इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द शीट। अच्छा इस अगर ऐसा कोई एक्सिस होता है ऐसा, तो भी वो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है पर शीट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो पता है इसके अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं तुरंत बोल दूंगा इट विल बी I1 प्लस I2, प्रोवाइड मुझे I1 I2 पता हो, तो मुझे लंबी चौड़ी मैथ्स लेकर इसके अबाउट निकालने की जरूरत नहीं है। सर लंबी चौड़ी मैथ्स क्यों, क्यों भैया कैसे नहीं, अगर मुझे इसके अबाउट निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को छोटे 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 पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square, कर करके सबको क्या करना पड़ेगा, एड। इसके अबाउट अगर निकालना हो तो कैसे करना पड़ेगा, छोटा मास डिस्टेंस का स्क्वायर, एक और मास डिस्टेंस का स्क्वायर, उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड। पर अगर इन दोनों का पता हो और कोई बोलता है इस एक्सिस की बात करो, ये एक्सिस इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट निकालोगे तो वो होगा I1 प्लस I2। सर अब इंग्लिश में पूरी चीज को समझाओ, इंग्लिश में ऐसे समझाएंगे, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया
for two given axes, in the plane of the sheet and perpendicular to each other, be I1 and I2. Then if the body rotates about an axis, passing from the intersection and perpendicular to the sheet, simply will be I1 plus I2. तो मैं तुम्हें एक नई तरीके से बताता हूँ, तुम पहले डायग्राम बनाओ उसको, फिर मैं एक और तरीके से समझाऊंगा। सपोज एक शीट है, दिस इज अ शीट, इसमें दिस इज वन एक्सेस, इसके अबाउट सब शीट में इट रोटेट्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेट्स से I1 एंड आई नो द वैल्यू. Suppose this is one more axis which is in the plane, iske bilkul perpendicular hai, iske about ghumta hai, let's say it is I2 and we could calculate the two values. Ab iska ye intersection hai, is jagah se ye wala jo point hai, agar ye ab इसके अबाउट घूमता है तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा बोलूंगा इट इज I1 प्लस I2. बट दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शीट्स. तो डायग्राम बना लिया, लिखो इफ इफ I1 एंड I2, इफ I1 एंड I2 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया if I1 and I2 be the moment of inertia for two axes in the plane of the sheet and perpendicular to each other then the moment of inertia for an axis passing from their intersection and perpendicular to the sheet will have moment of inertia I1 plus I2. बच्चों देखो, जैसे सेकंड मिनट, हाँ शुरू करो समझाना. देखो बेटा, ये सपोज एक मास लिया मैंने M1, अभी सिखा रहा हूं बिल्कुल चुपचाप देखना, और इसको मैं मान लेता हूं भी 0-0 कोऑर्डिनेट. मैं मान लेता हूं ना, क्या कोऑर्डिनेट, 0-0 कोऑर्डिनेट मान लिया. बच्चों अगर बेटा मुझे I1 निकालना है, I1 तो ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे, तो बताओ यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या वो X1 है कि Y1 है? Y1, so M1 Y1 square, M2 Y2 square, M3 Y3 square, इन सब का समेशन इज I1. Done. If I want to find I2, तो इसका बेटा यहां से डिस्टेंस कितना है? X1. So M1 X1 square plus M2 X2 square, ऐसे करके, ठीक है?
वही मैं लिख रहा हूं आई टू, बेटा ये क्लियर हो गया। अब जरा इन दोनों को ऐड तो करो पहले, ऐसे मन कर रहा है पता नहीं क्यों, ऐसे लगा कि कुछ ऐड, बहुत दिन से ऐड ही नहीं किया था कुछ। ऐड भी कर दिया। अब ये बताओ, मैं डायग्राम को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा दिखाने के लिए, यहां देखो अब अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस मास का इससे लेना पड़ेगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो जरा ये शॉर्टेस्ट है ना, अच्छा ये शॉर्टेस्ट है कि ये शॉर्टेस्ट है, इस एक्सिस से दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये क्या x1 plus y1, ये डिस्टेंस कितना होगा x1 plus, जी नहीं x1 square plus y1 square under root, क्योंकि ये कितना है 0, 0, ये 0, 0, यहां देखो ये 0, 0 है, ये x1, y1 है, तो this distance will be x1 square plus y1 square under root, that is the shortest distance। तो ऐसे जितने भी masses होंगे अब, उन masses का इस distance से क्या करना पड़ेगा square, और सबको क्या करना पड़ेगा add। तो अभी मैं केवल m1 का निकाल रहा हूं बच्चों, तो बेटा अगर इस वाले के लिए, बेटा यहां देखो अगर ये वाला जो एक्सेस है बेटा बोर्ड पे देखो, बेटा अगर इसके लिए कितना है I3, कितना है अगर I3, तो I3 विल बी, ये जो निकाला था ना M1 का जो था उसका पूरा क्या करना होगा समेशन, तो I3 वुड बी अरे सर रूट क्यों, रूट कहां चला गया, m into distance का square, तो root हट जाएगा। तो देखो ये term और ये term दोनों क्या आ रहे हैं same, so i1 plus i2 is equal to i3, लिख लो। आराम से लिखो, आर यू क्लियर, पक्का क्लियर। एक क्वेश्चन मुझे लगता है इस पे बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन देने की जरूरत है। अब हेडिंग डालो, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर sheets which something which is in a plane, a lamina, it can be anything, it can be a square sheet, rectangular sheet, circle, ring, disc, anything which is in a plane। ab aage chalo।